हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया ही हूँ। तो गाइस आज है रमज़ान का 20वां रोज़ा एंड 2-4 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो आज मैंने सोचा आज पूरे दिन का व्लॉग बनाकर आपके साथ शेयर किया जाए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10, अभी मैं घर पर ही हूँ। आप लोग सोच रहे थे कि इतने दिन व्लॉग नहीं बनाया तो इतने दिन रोज़े नहीं रखे आपने, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आज 20 रोज़ आए तो पूरे 20 रोज़े रखे हैं, आगे भी इंशाल्लाह पूरे रोज़े रखेंगे। तो अभी घर पे ही हूँ मैं, आज का पूरा दिन आपके साथ शेयर करेंगे, बने रहे हमारे साथ में एंड तक। तो अभी हम जाएंगे सिलेंडर की टंकी लेकर जाएंगे, उसको भरो के वापस लाएंगे। यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जाएंगे, क्या होगा आगे देखते। अभी बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, देखते क्या होगा वो आगे पता चलेगा। बने रहे हमारे साथ में एंड तक, तब तक आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तो गाइज अभी मैं वहां पर गैस सिलेंडर की टंकी लेकर वापस घर पे आ चुका हूं एंड अभी बज रहे फिक्स 11। तो अभी मैं सो जाऊंगा, फिर बाद में आपसे मिलते हैं असर की नमाज के टाइम। तो बने रहे हमारे साथ में एंड तक, फिर बाद में कहां पर जाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे असर की नमाज के टाइम। अभी तो गाइस अभी इतनी ज्यादा धूप पड़ रही, क्या ही बताऊं आपको, ये देखो यार क्या खतरनाक धूप पड़ रही है। तो गाइस अभी बज रहे 5, होकर तो मैं पहले ही उठ चुका था, मैं कुरान की तिलावत कर रहा था। तो अभी 5 बज रहे, अभी असर की नमाज का टाइम हो चुका है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मस्जिद, तो पढ़ेंगे असर की नमाज, फिर बाद में कहाँ पर जाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी पहले चलते फटाफट से मस्जिद, पढ़ते नमाज, फिर देखते कहाँ पर जाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ में एंड तक, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तो गाइस नमाज पढ़ ली है, अभी जा रहे हैं मार्केट, वहां पर फ्रूट लाना है। तो अभी चलते हैं, ये देखो अंदर तालीम हो रही है। तो गाइस मार्केट जाकर मैं वापस घर पे आ गया हूँ। तो अभी काफी टाइम है इफ्तारी में, फिर बाद में आपको दिखाऊंगा क्या लेकर आया हूँ मैं। तो अभी तो थोड़ा बहुत टाइम बाकी है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद में। तो गाइज अभी इफ्तार करने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है, तो अभी फ्रूट काटते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी काटते हैं फ्रूट, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज अभी इफ्तार करने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, तो आज मैं क्या क्या लेकर आया था वो आपको दिखा देता हूँ। ज्यादा मैं नहीं लाया था लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये चेक कर, मैं ये लेकर आया था आज, ज्यादा नहीं लाया था। तो अभी इफ्तार करने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, तो करते 5 मिनट इंतजार, दुआ करते हैं। तो मिलते हैं आपसे रोजा खोलने के बाद में। तो गाइस अभी अजान हो रही है, तो खोलते हैं रोजा। तो गाइज रोजा भी खोल लिया और नमाज भी पढ़ ली है। तो आज तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं देखा है, छोटा सा व्लॉग बनाया था, इसलिए मैं कहता हूँ रोजा ने क्या देखा है आपको। तो बनाएंगे व्लॉग तो लेकिन कम बनाएंगे, तो करते आज के छोटे से व्लॉग को यहीं पर एंड। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज। तो गाइज आज खाने में ये सेवई यहाँ बनी है, तो इसके अंदर डालते गाय वाला घी और अब इसको खाते हैं।